हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास ये आ रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर के कि उनका जो स्टेटस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या उनका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आया है न्यूज़पेपर में, मैं पहले वो आप लोग साथ शेयर करूँगी। उसके बाद से जो जो स्टेटस आप लोगों ने मुझे सेंड किया है उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी कि आप लोगों का करेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है आपका स्कॉलरशिप आने के चांसेस कितने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रिवीजन क्लास है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करें। और फ्रेंड्स, CCSE यूनिवर्सिटी का पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का, वो हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़पेपर में आ रही है, बोल सकते हैं नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। जैसे जैसे ये स्कॉलरशिप का दिन निकल रहा है, वैसे वैसे और नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, और ये भी बोल सकते हैं नए नए जो है रूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है अब 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। यानी आपका अटेंडेंस अगर 75% से कम हुआ है कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर आप लोगों को मिलने के चांस कम है, ऐसा लिखा हुआ है। अभी इसके बारे में कुछ और बातें नहीं हुई हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ में दिया गया है कि स्कॉलरशिप आने के चांसेस 20 अप्रैल तक हैं। जिन लोगों का वेरीफाई हुआ है और स्टेटस, करंट स्टेटस जो है वेरीफाइड दिखा रहा है, उन लोगों के जो है स्कॉलरशिप आने के चांसेस 20 अप्रैल तक अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। तो ये तो हुई न्यूज़ की बात। अब मैं बात करूँगी आप लोगों के स्टेटस की जो आपने मुझे सेंड किया है। सबसे पहले पहला स्टेटस आप देखिए, इसमें लिखा हुआ वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। जिनका भी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वेरीफाइड लिखा है या फिर रिकमेंडेड लिखा हुआ है, उनके आने के चांस हैं। मैं बता देती हूँ, उनके आने के चांस है 20 अप्रैल तक। देखिए, आपके आ सकता है, आपका स्कॉलरशिप बिल्कुल आ सकता है। दूसरा देखिए जो आप लोगों ने मुझे भेजा, स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड। तो यहाँ तो डायरेक्टली यही लिख दिया कि फंड नहीं होने की वजह से जो है वो स्कॉलरशिप नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो फुल्ली निगेटिव है, आप भी जानते हैं। एक और देखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जिनका जिनका ऐसा दिख रहा होगा वो लोग आप अपने से भी देख लीजिएगा। एक ये स्टूडेंट है, इनका लिखा है ब्लॉक्ड ड्यू टू इंस्टीट्यूट स्टूडेंट नॉट वेरीफाइड DIOS यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी। आप लोगों का जो है आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो इसलिए जो है आपके आने के चांस कम है। जिनका ऐसा दिख रहा है, ब्लॉक्ड दिख रहा है ड्यू टू इंस्टीट्यूट, या फिर जो दिख रहा है कि नॉट वेरीफाइड बाय DIOS, तो उनके आने के चांस नहीं है या फिर ना के बराबर है। एक और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड। अब ये तो अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जिन्होंने भी ये गलती की है, लेकिन ये हुआ है, तो आप किसी स्टूडेंट के करंट स्टेटस में ये दिखा रहा है कि उनका कोर्स फीस जो है अब फिक्स नहीं था और अपडेट नहीं किया गया है, तो इनके भी आने के चांस नहीं है। गलती इनकी नहीं है, लेकिन चांसेस तो स्टेटस के ऊपर आएगा ना। देखिए, एक ये जो लिखा हुआ है ब्लॉक्ड ड्यू टू मास्टर फीस कोर्स फीस नॉट वेरीफाइड बट बाय DWO यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मास्टर फीस जो है आप लोगों का, वो ब्लॉक कर दिया गया है। आप जो आना था वो ब्लॉक हो गया है, यानी कि नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? तो यहाँ पे बताया गया है कि DWO की तरफ से आपका फीस जो है, कोर्स फीस जो है, वेरीफाइड नहीं हुआ है या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये एक रीज़न है। तो यहाँ पे भी आने के चांस नहीं के बराबर है। कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, वो भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम, इसी के भरोसे जो है हमने जो है कोर्स में एडमिशन लिया था, अब हम कहाँ से देंगे। इस तरह के भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो करंट स्टेटस दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। और फिर भी आप लोगों ने अगर जो CM का ये था अप्लाई करने के लिए कंप्लेन अगर डाल दिया है तो देखिए, लेकिन जो करंट स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आज बता दिया। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे।